हमारा डिपार्टमेंट पिछले 4 साल से लगभग सक्रिय है और अभी तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है। हमारे डिपार्टमेंट में सबसे आधुनिक मशीनें माइक्रोस्कोप हैं और हमारे डिपार्टमेंट में प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड सारी सर्जरीज होती हैं, जैसे क्लेफ्ट लीफ, पैलेट, जले हुए, ट्रोमा, बाहर से कोई फेशियल इंजरी और कैंसर सर्जरी भी यहाँ होती है। हमारा डिपार्टमेंट में 4 फैकल्टी हैं और अभी सभी यहाँ काम कर रहे हैं। हम आपको एक मरीज से मिलाते हैं जिनका नाम रुक्मणी है, 39 साल उसकी उम्र है और ये हमारी IP है। उसका फेस में ट्रोमा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, एक तरफ का फेस पूरा बिगड़ गया था। उसकी हमने 3 सर्जरीज की हैं, 3 सर्जरी के बाद अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हैं। ये हमारी मरीज है, इसका नाम रुक्मणी है, ये 39 साल की है और इसका 17 जनवरी को ई रिक्शा पलटने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था। इसका चेहरा बुरी तरीके से कुचला गया था और चेहरे में इसका मांस हट के इसकी हड्डी दिखाई दे रही थी। एक तरफ का चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। इसके पैर में भी चोट थी, पैर में भी इसका मांस फट गया था, उसकी भी हमने सर्जरी की है और इसके चेहरे की हमने 3 बार सर्जरी की है ताकि जो हड्डी थी जो दिख रही थी उसको ढका जा सके और चेहरा देखने लायक बनाया जा सके। बाकी ये खुद ही बताएंगे। बल्लमगढ़ में रहती हूँ मैं। 7:30 बजे ड्यूटी जा रहे थे, मेरा ऑटो पलट गया 4 सेक्टर पुल पे बल्लमगढ़। फिर उसके बाद मैं बल्लमगढ़ हॉस्पिटल गए, कोई लेके गया, वहाँ से फिर पट्टी करके यहाँ SI भेज दिया। मेरे नाम से SI है, रुक्मणी देवी नाम है मेरा, 39 साल के। उसके बाद 3 बार ऑपरेशन हुआ, यहाँ सर्जरी हुआ, पैर के 2 बार हुआ। अभी ठीक हूँ मैं पहले से। ESIC, चिंता से मुक्ति।